तो स्वागत है दोस्तों पोकेमॉन एडवेंचर रेड चैप्टर के एक नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम यहाँ पहुँच गए थे और अब हमें आगे देखना था कि क्या होने वाला है। हमने कोगा को और एल्टी सर्च को हरा दिया था। यहाँ पे एक पोकेबॉल पड़ा है, क्या है इसमें? ये क्या है? प्लेट डिवाइस। हाँ ये काफ़ी भारी है सबरीना। हाँ क्या वो सबरीना है? वो थी जिसने मुझ पर अटैक किया था रिसर्च लैब में, पैलेट टाउन में। वो यहाँ क्या कर रही है? क्या वो ढूंढ रही है इस डिवाइस को? इस डिवाइस को देख के लगता है मुझे इसमें जिम बैजेस को फिक्स करना है। तो मुझे इसे यहाँ लगाना चाहिए और इसे यहाँ। तो क्या कर रहे हैं हम? इसके अंदर 7 स्लॉट्स है लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 6 बैजेस हैं। मुझे इसे भरने के लिए एक और बैच चाहिए। वहाँ कौन है? हम पकड़े गए। एक सबसे अच्छा डिफेंस होता है एक अच्छा अटैक। पिकाचू जाओ। पिकाचू क्या हुआ? ओ वो जानता है कि मैं रियल नहीं हूँ। क्या एनिमी? तो तुम हो कौन? तो तुम्हें डिवाइस मिल गई? क्या कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ तो है। ओ कम ऑन श्योरली, तुम्हें पता है मैं मास्टर हूँ डिस्कस की। ब्लू? ओ तो तुम्हें पता चल गया। ही। इसे देखो, यह है मार्स बैज। मैंने इसे ले लिया था सबरीना से, साइकिक चिक से। मुझे वो दे दो। ओ तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये देने वाली हूँ फ्री में? तुम मुझे जानते हो कि मैं कैसी हूँ। मैं तुम्हें दे तो दूंगी पर किसी चीज़ के बदले। ये मार्स बैज मुझे ट्रेड करना है मून स्टोन से जो तुम्हारे पास है। क्या मून स्टोन? हाँ चलो अब ज़्यादा दिखावा मत करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास वो मून स्टोन है तुम्हारे केस में, और मुझे वो चाहिए कि अगर मुझे वो चेक वापस मिल गई तो। कम ऑन ब्लू, हम ऐसे हर वक्त झगड़ते नहीं रह सकते। अगर हम दोनों साथ में मिलकर काम करें तो काफ़ी अच्छा लड़ सकते हैं। सच कहूँ तो हम दोनों यहाँ पे आए थे डिफरेंट एजेंडाज के साथ। ये ट्रेड हम दोनों को हेल्प करेगी। मेरे भरोसा करो और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। ठीक है तो हमें मिल गया मार्स बैज, मूनस्टोन देना पड़ा लेकिन हमको, तो हमारी ट्रेड पूरी होती है। और मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। किसके बारे में? वो डिवाइस के बारे में। जो डिवाइस वहाँ पर है वो एक सीक्रेट वेपन है। जब सारे 7 बैजेस उसके अंदर इंसर्ट किए जाते हैं तो वो जनरेट करता है एक एनर्जी जो एक पोकेमॉन की पावर को बहुत बढ़ा देती है। ओ अच्छा, थैंक यू ब्लू। एक्चुअली वो क्या करता है, वो एक ब्रांड न्यू पोकेमॉन को क्रिएट करता है, और वही एक रीज़न है कि मैं यहाँ पर हूँ कि मैं उसे ले सकूँ। चालाक, मुझे और रीजंस मिल गए तुमको मारने के लिए, जैसे कि मुझे और चाहिए थे। सबरीना आ गई असली वाली। तुमने मुझे एक बार फूल बना दिया लेकिन फिर से नहीं। ये तो असली वाली है। वो डिवाइस मुझे दे दो। ब्लू यहाँ बहुत खतरा है, पीछे हटो। ठीक है हाँ, तू तो चाहती यही है सारे काम मैं करूँ। तुम्हें वो डिवाइस चाहिए? यहाँ आओ, मैं तुम्हें देता हूँ वो डिवाइस। सारे 7 बैजेस इंसर्ट, ये हम चले। हाँ हाँ यह क्या हुआ? वो डिवाइस मुझे दो। ब्लू ने हमसे वो प्लेट डिवाइस ले ली। सॉरी पर तुम्हें याद है वो बोल्डर बैज और कैस्केड बैज मैंने तुम्हें दिया था सेलेडोन सिटी में? वो फेक्स थे। सीरियसली कितनी चालाक इंसान है ये। सीरियसली कम ऑन, तुम्हें सीरियसली लगा कि मैं तुम्हें असली वाले बैजेस वापस कर दूंगी? जैसे कि मैंने कहा था, तुम मुझे जानते हो कि मैं कैसी हूँ। ही, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। भाग गई तुम? रुको। वो लोग अपने ही बीच में लड़ रहे हैं। क्या बचपना है। आर्किचिनो, जाब्डो, समोल्ट्रस बाहर आओ। इसके पास कैसे आई हैं सब? एंड ऑफ हीरो वर्सेस विलन चैप्टर, चैप्टर 25, जैप मॉल कूनो। इसका मतलब? तो मुझे अब क्या करना है? ये काफ़ी डेंजरस है, मुझे इसे जल्दी हराना होगा। तो क्या तुमने जाब्डोस को हरा दिया? हाँ मैंने हरा दिया। अब शायद मोल्ट्रेस की बारी है।
मैंने तुम्हें पहले भी हराया था और इस बार भी हराऊंगा, तो आ जाओ मोल्ट्रस। तो इसे भी मैंने हरा दिया। क्या तुमने मोल्ट्रस को भी हरा दिया? हाँ हरा दिया। अब आर्कीच्यूनो की बारी। अगर तुम मुझे बचाने के लिए टीम रॉकेट के सामने नहीं आते तो उस दिन सी फॉर्म आइलैंड पे तो तुम शायद यहाँ नहीं होते। हाँ पर होनी को कौन टाल सकता है। क्या तुमने आर्कीच्यूनो को भी हरा दिया? हाँ सबको हरा दिया और अब मैं ऐसे निकल रहा हूँ। क्या तुमने तीनों लेजेंडरी बर्ड्स को हरा दिया? ठीक है अब मैं इन फेक वाले बैजेस को बाहर निकालती हूँ और असली वाले अंदर डाल देती हूँ। कैस्केड और बोल्डर बैज। अब सारे 7 बैजेस साथ में आ चुके हैं। ये काम कर रहा है। तो अब एक नया पोकेमॉन। क्या? हा, फाइनली ये आ चुका है। उन सबको ख़त्म कर दो। ट्राई अटैक। ये तीनों लेजेंडरी बर्ड्स तुम्हें दिखाएंगी टीम रॉकेट की असली पावर। हा, आँख। हा, ये है टीम रॉकेट की सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। एक अटैक, 3 पोकेमॉन की पावर के साथ एक साथ। हमने एक्सपेरिमेंट किया है बहुत सारे पोकेमॉन के ऊपर जो हमेशा एक ही तरह से ख़त्म होते थे, जैसे तुम्हारा ईवी, वो भी हमारे एक रिजल्ट एक्सपेरिमेंट का। तो मॉन्स्टर्स, ये है किस्मत हर लैब क्रिएचर की। कहाँ है मेरा नया पोकेमॉन? इतना सब होने के बाद ब्लू, ये बेहोश हो गई। जैप मूल कोनो पावर। ओ मैं पावर हमेशा से चाहती थी। वॉल्केनो, बोल्डर, मार्श, थंडर, रेनबो, कैस्केड, सोल बैच, पावर हर एक जिम लीडर की। हमें यह बात बहुत पहले से पता थी कि हमें चाहिए सारे जिम बैजेस ताकि हम पोकेमोन की पावर को कंबाइन कर सकें, पर उनसे बैज लेना बहुत ही आसान नहीं था क्योंकि वो जिम लीडर्स बहुत ही ज़िद्दी थे। हमने अपनी पूरी ताकत लगाई उनसे लेने की पर वो कभी देते ही नहीं थे। जब तक हमने एक बार डिसाइड किया वेट करने का, हमने वेट किया तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्तों के लिए कि तुम उन्हें कलेक्ट करो हमारे लिए, और तुमने देखा ये कितना ईजी था तुम सबको हराना। पर फिर भी अभी हमारा एक काम बाकी है। मैं तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के लिए तुम्हें थैंक करती हूँ और तुम्हारी डेथ बहुत ही आसानी से होगी। ये क्या मजाक है? पहले हम तुम्हारे पहले टाउन पे कब्जा करेंगे और फिर हम उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे और वहाँ रहने वाले लोगों को भी, और इसी के साथ उनका और पोकेमोन का रिश्ता भी टूट जाएगा और आखिर में हम उस जगह को अपने काम के लिए यूज़ करेंगे। हाँ भूल जाओ है पैलेट टाउन के लोगों का, हम तुम्हें उसे बिगाड़ने नहीं देंगे। तुमने ये कहा? ग्रीन ग्रीन एंट्री देख रहे हो? गेट से नहीं साइड से। मैंने ग्रैंडपा और सबको रेस्क्यू कर लिया, अब बस एक ही काम बचा है, इसे हराना। हाँ तुम शरारती बच्चे। जाप मॉलकूनो अटैक। ही, कोई भी उस ब्लास्ट से सरवाइव नहीं कर सकता। हाँ क्या हमारे पास खुद के भी कुछ अटैक हैं? ब्लू चलो उसको साथ में मिलके हराएं। चलो दिखा दे जलवा। रॉक, ऑनिक्स और मैं एक समय तुम्हारे अपोनेंट थे, पर ये समय है साथ में मिलके लड़ने का। ये उसके लिए जो तुमने गैरडॉस के साथ किया। मैं ब्रॉक बोल रहा हूँ। वेस्ट सेक्टर मैंने कवर कर लिया। मैं मिस्टी बोल रही हूँ और मैंने ईस्ट सेक्टर कवर कर लिया। ठीक है अच्छा काम किया, मैंने साउथ सेक्टर कवर कर लिया और मैं हूँ टाउन्स फॉक सेलेडॉन सिटी की टीम रॉकेट। अब तुम घिर चुके हो, रेड और ग्रीन सिल्फ कंपनी में लड़ रहे हैं। सेंट्रल हेडक्वार्टर, अभी हम उनके सीक्रेट पार्टनर हैं। हमने ये सब छुपा के रखा है ताकि टीम रॉकेट को कभी इसका पता ना चले। गुड लक बॉयज। तो अब बस सबरीना बच चुकी है तो मुझे उससे फाइट करनी होगी शायद। रॉक, कुछ भी नहीं हुआ तो शायद उस तरफ जाके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो इसे हराते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है पंछियों, डरो मत। तो मुझे अब शायद यहाँ जाना है। झुक जाओ जेंडरी बर्ड्स के पावर के सामने। ये क्या हो रहा है? आईवीसॉर इवॉल्व हो रहा है, विनसॉर बन जाएगा भी ये।
और ये बूम, हमारा विनोसॉर तैयार है। आइविसॉर इवॉल्व हो गया विनोसॉर में। तो अब हमारी बैटल शुरू हुई। जियोवानी, ये जियोवानी कौन है? अब वो आजाद है। मोल्ट्रेस, जाबडोस और आर्किचिनो उड़ गए। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, टाटा। चलो यहाँ से चले, चलो विनोसॉर वापस चले। हाँ चलो भी। तो जियोवानी, ये कौन है? सोल नेट एक्टिवेटेड। मुझे तुम सबको सेफ देख के बहुत खुशी हुई। कोई भी टीम रॉकेट का मेंबर हमसे बच के नहीं निकल पाया, पर टीम रॉकेट का लीडर और 3 जिम लीडर्स जो उसका साथ दे रहे थे, वो लोग भाग गए। इतनी जल्दी भाग गए? पर हमने कम से कम सारे पोकेमोन को तो रेस्क्यू कर लिया जो वो लोग यूज़ कर रहे थे। विद प्रॉपर ट्रेनिंग और केयर, वो लोग अच्छे से ग्रो होंगे और एक अच्छे पोकेमोन बनेंगे। ब्लू कहाँ है? ये रही। हाँ, इतनी सारी मेहनत करने के बाद मुझे क्या मिला? मुझे लगा टीम रॉकेट का नया पोकेमॉन एक एक मॉन्स्टर बर्ड था, उसके जैसा। हाँ, मेरे सारे प्लान फेल हो गए। तेरे प्लान क्या थे? हा, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मैं जा रहा हूँ फेस करने इंडिगो प्लेटियो। मैं भी। अपनी तरफ देखो, तुम काफ़ी बड़े हो गए हो। मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहती हूँ, मेरे बेटे। थैंक्स मम्मी। हाँ, ये अर्थक्वेक कैसा था? क्या क्या हुआ मिस्टी? लगता है कुछ एक्सप्लोड हुआ है सेरुलिन सिटी के पास में। जो भी है, मुझे वहाँ पर जल्दी से जाना होगा, पता लगाना होगा कि इसका रीज़न क्या था, और सेरुलिन सिटी के लोगों को भी बचाना होगा। मैं तुमसे बाद में मिलूँगी। ये किस तरह का एक्सप्लोजन था कि उसकी पावर हमें यहाँ तक महसूस हुई, सेरुलिन सिटी से? ठीक है, गुड लक, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। बाय बाय। काफ़ी जल्दी चले गए। एंड ऑफ जैप मॉल कूनो चैप्टर। तो हम, मुझे कहाँ जाना है? वो पोकेबॉल में एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों रखा है फिर वहाँ पे। अब यहाँ कहाँ जाना है मेरे को? सेरुलिन सिटी। सेकंड, ये क्या हो रहा है? वो टारगेट हमारे सामने है। कौन टारगेट? टीम रॉकेट फिर से? हमें पहचाना लड़के? ये उसका बदला है जो तुमने हमारे साथ माउंट मून पे किया था, सीफॉम आइलैंड पे और सिनेबार आइलैंड पे किया था। पर वो एरिका तो कह रही थी कि उसने सबको भगा दिया। हे, मेरे को पीछे मत छोड़ो। सबरीमना, तुम टीम रॉकेट के नाम पे धप्पा हो। कितने चांस मुझे तुम्हें देने होंगे? प्लीज़ प्लीज़, मुझे एक और चांस दो प्लीज़। नहीं, तुम एलिमिनेट किए जाते हो टीम रॉकेट से। तुम्हारी कोई जगह नहीं है टीम रॉकेट में। नहीं, वो चिप नहीं, प्लीज़ प्लीज़। क्या? वो तुम्हारा साथी था? ये चीज़ हमें बहुत डरावना बनाती है। फिक्र मत करो, हम फिर से बैटल करेंगे। पर मैंने तो इसे हरा दिया था, तो शायद ये कोई पुराना पार्ट होगा जो मेरे को करना रह गया। ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी अब कर रहा था इसको। कोई बात नहीं, अब मुझे क्या करना है? पहले पोकेमोन हील करना है, फिर जाना है सेरुलिन सिटी। पर उससे पहले वो डोजो, मेरे को याद है, मैं वो डोजो में एक जन से बैटल की थी मैंने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पोकेमोन एसोसिएशन ने मुझे असाइन किया है इस सिटी को देखने के लिए कि टीम रॉकेट इस पे वापस अटैक ना करे। अच्छा, काफ़ी अच्छी बात है। ये डोजो में मेरे को याद है कि मैंने एक जन से बैटल की थी और एक जन रह गया था, ये बीच वाला। तो चलो इससे बात करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की? उन्होंने मुझ पर पहले अटैक किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की? क्या ये बुरा नहीं है कि तुम लोगों ने चुरा लिया हमारा जिम का स्टेटस हमसे दूर? मैंने नहीं किया। ये तुम क्या कह रहे हो? अब ज़्यादा एक्टिंग मत करो। तुम हो वो चेक सबरीना? क्या तुम्हें मैं एक लड़की लगता हूँ? ज़रूर उसने तुम्हें भेजा होगा हमें हटाने के लिए यहाँ से। हाँ, तुम कुछ बोल नहीं रहे हैं, मतलब मैं सही था। तुम लोगों ने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। बहुत कुछ? क्या तुम 2 मिनट के लिए चुप हो गए और मेरी बात सुनोगे?
मैं हूँ कराटे मास्टर और मैं हूँ जिम लीडर, और मैं सिखाऊंगा तुम्हें एक लेसन मेरा मजाक उड़ाने के लिए। हाँ, आ उबला कवा काका आरू कुडुम कुडुम प्लीज ये बंद करो। तुम लोगों को और क्या चाहिए? मैं पहले ही सब कुछ हार चुका हूँ, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे आया था क्योंकि रूट 4 में से 2 लोगों ने मुझे तुम्हारे डोजो के बारे में बताया था। किसने? ओ तुम्हारा मतलब पंचर और किकर? तुम्हारा मतलब वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? वो मेरे भाई हैं। वो कैसे हैं? क्या वो लोग अभी तक लड़ रहे हैं कि कौन है सबसे अच्छा? हाँ वो लड़ रहे हैं, मुझे पता नहीं चलता उनकी प्रॉब्लम क्या है। मैं बहुत ही बुरा फील करता हूँ उनके लिए कि वो मेरे जितने स्मार्ट नहीं है। हाँ बहुत ही स्मार्ट है तू। पहले जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ये एक ऑफिशियल जिम हुआ करता था, लेकिन तभी वो सबरीना आ गई एक दिन और उसने अपने साइकिक पावर से हम सबको पीछे हटा दिया। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, पर पुरानी बातों को लेकर अब तक मत बैठे रहो। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, और तुमसे माफ़ी मांगने के लिए मैं तुम्हें ये पोकेमॉन देता हूँ जो मेरे पीछे है। थैंक्स। कौन सा पोकेमॉन है? मेरी पार्टी फुल है तो मुझे कोई खाली करके आना पड़ेगा, तो देखते हैं हम फिर कभी आएंगे ये पोकेमॉन लेने। तो पहले मुझे पोकेमॉन सेंटर जाना है, पर मैं घूम के क्यों जा रहा हूँ मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। अगर मुझे यहीं आना था तो मैं सीधा यहाँ से नहीं आ जाता? जैसे मैं यहाँ से निकला और सीधा यहाँ से आ जाता। पर कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं सेरुलेन सिटी वो अर्थक्वेक का पता लगाने। एक सेकेंड, यहाँ तूफान आया हुआ है। तो पहले नर्स जॉय से मिलने। हेलो नर्स जॉय, कैसा चल रहा है आपका? चाय नाश्ता कर लिया आपने? वैसे मैंने भी नहीं किया, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं आपसे मिलूंगा पोकेमॉन एडवेंचर रेड चैप्टर के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।